हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, सत्यवंजन टीम की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं सत्या। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे मालिका। मालिका यानी किताबों की मालाएं। आज से 500 साल पहले पंच सखाओं ने लिखे थे मालिका के लाखों की संख्या में किताब ग्रंथ, और उसमें खाली उड़ीसा ही नहीं, हमारे देश भी नहीं, विश्व के समस्त देशों के बारे में उसमें से लिखा गया था। तो फिर सब कुछ जो भी किताब हैं, ग्रंथ हैं, सब उड़िया भाषा में ही लिखा गया था। ये आज से 500 साल पहले की बात है। उसको हम ओरिजिनल पोथी बोलते हैं या फिर कोडेक्स कहते हैं। तो उड़िया अक्षर में लिखा गया था सब शब्द, उसके बाद वो सब पुस्तक और अन्य दस्तावेजों में उसका संग्रह किया गया था। इस प्रकार मेरे पास बहुत सारे किताब हैं, आप इसमें से देख सकते हैं। ये सब बहुत बिल्कुल पुराने पुराने ग्रंथ हैं मालिका में। कोई ये है आपका 1970, वहाँ की ये ग्रंथ है। उस समय मूल्य था 1 रुपये 75 पैसे। ये देखिए नील सुंदर गीता, ये भी 40 साल पुराने ग्रंथ हैं। ये भी देखिए किताब हैं। इस प्रकार की किताब जो है वो पोथी, जो ओरिजिनल पोथी हैं, वहाँ से संग्रह किया गया था। 24 पटल मूल्य है 6 रुपये। 10 पटल किताब का नाम है 10 पटल, मूल्य है 4 रुपये। बराहकल्प मूल्य है 1 रुपये। उड़िया में लिखा गया है महापुरुष श्री अच्युतानंद दास कृत मालिका 13 जन्म सरण। ये संत अच्युतानंद दास के सबसे आखिरी ग्रंथ हैं जिसका नाम है 13 जन्म सरण। अनंत भट गीता और मोहकल्प, देखिए ये सब किताब हैं। महिमा संहिता, ये भी किताब है। 1925 की लिखी गई ये किताब है। निर्घंट शब्द, ये भी हैं 1960 की, और मूल्य है ओनली 60 पैसे, 60 पाइस। शिवकल्प ओ नवग्रह निर्घंट, ये किताब है, ये मूल्य, इसका मूल्य है मात्र 8 रुपये। तो ऐसे बहुत सारे किताब हैं जो बिल्कुल पुराने पुराने किताब हैं, 50-60-70 साल पुराने किताब हैं। और आज कई सारे मालिका के रिसर्चर हैं, सही सलामत उनके पास हैं, और ओरिजिनल जो पोथी है, जो पुराने मठ और मंदिर है, उनके महंतों के कब्जे में है। तो मालिका में बहुत सारे विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं आने वाले हमारे एपिसोड में। कमेंट में आपका था रिक्वेस्ट, मालिका रिसर्चर श्री पुलिन बिहारी पंडा जी से आप मिलिए, हमारे साथ जुड़े हैं मालिका रिसर्चर श्री पुलिन बिहारी पंडा, आप स्वागत करता हूं दोस्त। तो दर्शक हमारे आज ये जानना चाहते हैं कि ऑलरेडी हमने तो उड़िया में इस सब्जेक्ट पर हमने वीडियो बना चुके हैं, लेकिन हमारे जो हिंदी की ऑडियंस हैं उनके लिए, खास करके उनके लिए आज हम दोबारा इसको बना रहे हैं। तो आपने एक बार जो बताए थे कि पूरी श्री मंदिर जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ धाम से छत्यावट, ये मालिका का एक बहुत फेमस टॉपिक है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों का बताइए, होगा क्या और कब होगा? मालिका के कौन से किताब क्या प्रमाण देते हैं, और आपकी लिखी गई किताब जो है जिसका नाम है कल की लीला, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं श्री पुलिन बिहारी पंडा जी इस पुस्तक की राइटर हैं जिसका नाम है कल की लीला। कल की लीला के बारे में बहुत सारे जो तथ्य हैं उसमें से लिखा गया है, बिल्कुल ओडिया में वो लिखा गया है। समय आने पर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आप तक पहुंचाएंगे। इसमें से लिखा गया है कल की अवतार कौन है, कल की अवतार का नाम क्या है, प्रभु कहाँ जन्म लेंगे, प्रभु कहाँ पर रहेंगे, प्रभु कैसे रहेंगे, कल की अवतार यानी प्रभुओं को हम कैसे पहचानेंगे, संकेत इनमें से उनके शरीर में ऐसा क्या क्या संकेत होगा वो हम पहचान पाएंगे,
उसके बाद लिखा है अंश अवतार, एक होता है पूर्ण अवतार, एक होता है अंश अवतार। अंश अवतार के बारे में भी लिखा गया है, भक्त और भगवान के बारे में भी लिखा गया है, उसके बाद कलयुग के बारे में भी लिखा गया है, और अंत में ये भी लिखा गया है कि मीन शनि योग, जब मीन शनि में प्रवेश करेगा उस समय भारत में और पूरे विश्व में क्या होगा चित्र। खाली उतना ही नहीं, लिखा है कि 7 दिन 7 रात अंधेरा कब होगा, इस विषय पर भी लिखा गया है। कल की लीला के तीन जो स्तर है वो एक है आद्य लीला, मध्य लीला और प्रांत लीला, उसके बारे में भी लिखा गया है। तो सीधे मिलिए मालिका के रिसर्चर, 30 साल के मेहनत, 30 साल के रिसर्च, तो जीता जाता सब आपके सामने खड़े हैं श्री प्रवीण मेहरी पंडा जी, दोबारा आपका स्वागत करता हूँ। 30 साल की मेहनत का आपको दय दिल से शुक्रिया। तो बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार बंधुगण, जो कर्कीड़ा होगा उड़ीसा में जो होगा प्रभु का, उसे मेजर पार्ट यही है कि जगन्नाथ जी का मंदिर का क्या होगा, जगन्नाथ जी का क्या होगा। अगर जगह मंदिर टूट जाएगा तो जगन्नाथ जी कहाँ जाएंगे और उधर कितना दिन रहेंगे, फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे, ये सब चीज़ को हम लोग थोड़ा सा अभी आलोचना करेंगे। जब जवन यानी मुस्लिम कंट्रीज उड़ीसा को अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे, तो पहले पुरी को आएंगे। पुरी की इसलिए आएंगे कि उन लोग का एम है, लक्ष्य है जीवन का, उनका अटैक का लक्ष्य है पुरी मंदिर को तोड़ना, जगन्नाथ जी को लेके चला जाना, ताकि हिंदुओं का जो बोलते हैं हमारा जगन्नाथ है, जो विश्वास है, जो आस्था है, जो विश्वास है, जो आस्था है, वो खत्म हो जाएगा, आघात पहुंचाना। तो उसके लिए कुछ बनना दिए हैं, पंचसखा सब कुछ बनना दिए हैं, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, पूरी मंदिर में क्या क्या होगा, कैसे अटैक होगा, उसको हम संक्षेप में आपको बताते हैं। जब वो मुस्लिम जो सेना है वो जब आगे पहुँचेंगे पहले पुरी के आसपास, जी मुस्लिम सेना जब पुरी के आसपास पहुँचेंगे, वहाँ का जो लोकल आदमी है वो क्या करेंगे, बैलगाड़ी को लेके पूरा सामने का जो मंदिर का सामने का जो रास्ता है, जो इसको बड़दान बोलते हैं हम लोग, उसको पूरा भर देंगे, ताकि ये लोग आसान से जा नहीं पाएंगे। अच्छा, एक तरीके से गेट बन जाएगा जिसको तोड़ के अंदर घुसना इतना आसान नहीं होगा। हाँ नहीं, पूरा पूरा फुल बड़दान का फुल हो जाएगा। अच्छा, सगड़ में बैलगाड़ी में। तो अभी भी इतने बैलगाड़ी है वहाँ पे, होगा जरूर, लिखा हुआ तो जरूर होगा, कहा नहीं तो कहाँ से आएगा। प्रभु को सेव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग, भक्त लोग, आएगा जरूर। है बैलगाड़ी, अभी अब टाउन में से नहीं है लेकिन विलेज में बैलगाड़ी है। अब तो यंत्र के युग में वो बैलगाड़ी कहाँ से आ जाएगा, जितना यात्री जो अब जाइए बैलगाड़ी का काम रहेगा, बाइक है, ऑलवेज कार है, बस थोड़ा कम हो गया, जितना था हर घर में था एक बैलगाड़ी, अभी वो नहीं है लेकिन है। अच्छा, तो उस टाइम में लिखा हुआ था बैलगाड़ी में भर्ती कर देंगे रास्ता। तो अनेक संख्याओं पर बैलगाड़ी वहां पे मौजूद होंगे और जिसको क्रॉस करके जिसको देख सभी सकते हैं, कुछ अधूरा गाड़ी, पुराना कार, जैसे भी वो रास्ता बंद करने उसको रोकने की कोशिश रहेगी लेकिन कर नहीं पाएंगे। अच्छा, एक टैंक के सामने बैलगाड़ी क्या है, जब लोग मंदिर के पास पहुंच जाएंगे तो मंदिर के अंदर में जो भक्त होंगे वो चारों द्वार को बंद कर देंगे, बंद करके अंदर में रहेंगे। ये लोग घुस नहीं पाएंगे तो कमान में तोप में मंदिर का अटैक करेंगे। अच्छा अच्छा, और ऊपर में से एरोप्लेन से भी थोड़ा बम गिराना चालू करेंगे उधर टाउन में। अच्छा, लोग को भयभीत करने के लिए। कुछ ही दिन में, शायद 2-3 दिन के बाद, दे विल एबल टू वो एंटर कर लेंगे मंदिर को, तोड़ देंगे दरवाजा, मेन दरवाजा तोड़ के अंदर में चले जाएंगे। उन लोगों का पहला लक्ष्य था कल्पवट, इसके बारे में हम बोले थे, पहला लक्ष्य कल्पवट, उसको
खत्म कर, हाँ निकाल देंगे, पूरा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे उसको, पेड़ को ठीक है डिस्ट्रॉय करके उसको काट के उसको जला देंगे। लेकिन जो प्रमाण दिया है मालिका में, नेक्स्ट डे फिर नया पत्ता उसमें से आएगा। जला देने के बाद कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ही नया पत्ता चालू हो जाएगा आना उसमें। उस टाइम में हनुमान जी वो चाहेंगे उसको लोगों को रोकने के लिए, लेकिन जगन्नाथ जी मना करेंगे। अच्छा अच्छा, कि नहीं तुमको कुछ नहीं करने का है, अभी जो लिखा हुआ है जो होने का है वो होगा, ये तुम्हारा खेल बिगड़ जाएगा, जो पापी लोग हैं उसको खत्म होना चाहिए, तो जो होने का है होगा, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो, तुम मत जाओ उधर। तो भक्त लोग हैं उन लोग के ऊपर जब ये अटैक होगा वो प्रेयर करेंगे प्रभु को, उस टाइम में अच्छा सा चीज़ दिखाई देगा आकाश मार्ग में, ये जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का मूर्ति दिखाई देगा आकाश मार्ग में, आसमान में। हाँ इसको एक बात बताइए, मेरे ख्याल से आप जब हम ओडिया में जब हमने वीडियो शूट किए थे आपने बताया था कि नॉस्ट्रैडमस ने भी इसमें टिप्पणी दिया है, लिखा है, वो भी लिखा है, उन्होंने क्या लिखे है एक बार बताइए। पहले मालिका बात बता देता हूँ, कुछ मालिका में लिखा हुआ है कि तीनों मूर्ति दिखाई देगा आसमान पर दिखाई देगा, लेकिन कुछ भी लिखे हैं ऐसा कि प्रभु का पादो चिन्ह दिखाई देगा, पैर, अच्छा पैर दिखाई देगा, संकट चक्र गदा पद्म ये चारों चीज दिखा देगा, अच्छा और कुछ नहीं, जो भी हो व्हाट इज इट। नॉस्ट्रस लिखे हैं कि तीन फिगर होते हो तो मालूम नहीं, जोड़ा तो कौन है बलभद्र कौन है कुछ मालूम नहीं उसको, वो लिखे हैं तीन फिगर, थ्री फिगर्स विदाउट एंड, बोले अपीयर इन द स्काई, थ्री फिगर्स विदाउट एंड। अच्छा नीचे वाला पर्सन नहीं है। ओके, तीन तो फिगर आदमी जैसा तीन है, तीन जो वो आकाश में दिखाई देंगे। अच्छा जब दिखाई देंगे भक्तजन प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे अच्छा होने के लिए, इन लोगों का प्रार्थना जब खत्म होगा वो डिसाइपियर कर लेंगे। अच्छा इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल इन द स्काई।